आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। सोमवार को भारतीय किसान संघ मालवा प्रांत की तहसील इकाई ने ज्ञापन सौंपते हुए अपनी ज्वलंत समस्याओं का जल्द निराकरण करने की मांग की है। किसान संघ के तहसील मंत्री अंकित मालवी ने बताया कि संपूर्ण बड़वानी जिले में इस वर्ष अल्प वर्षा होने से किसान बहुत चिंतित हैं। खेतों में फसल सूखने की कगार पर है, जल स्रोतों में भी पानी कम हो गया है, इवन कई सूख गए हैं। ऐसे में जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जाए। वहीं राज्यसभा सांसद ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर बड़वानी जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने का पत्र दिया है। हम सभी किसान उनका समर्थन करते हैं। साथ ही 132 केडब्ल्यू की लाइन जो जुलवानिया से अजंती नांगलवाड़ी लिफ्ट इरिगेशन प्रो के लिए जा रही है, इसमें जिन किसानों के खेत में टावर खड़े किए जा रहे हैं उन किसानों को नियमानुसार पहले उचित मुआवजा दिया जाए। ऐसे में 14 बिंदुओं का ज्ञापन तहसीलदार राजेश कोचले को दिया गया। हमारी इन मांगों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर? अंकित मालविया। किस पद पे पदस्थ है? भारतीय किसान संघ तहसील ठिकरी का मंत्री हूँ मैं। आज आप तहसील में ज्ञापन देने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? हमारी तहसीलदार महोदय से और कलेक्टर महोदय से 12 सूत्रीय मांग है, जिसमें से मुख्य मांग हमारी बरसात अल्प वर्षा होने के कारण सूखाग्रस्त जिले को घोषित कराकर किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की डिमांड है, हमारी मांग है। और दूसरी 132 केवी की जो लाइन जा रही है झुलवानिया से अजंती तक, जो नांगलवाड़ी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, उसमें किसानों की फसलों को बिना मुआवजे के ही रौंदा जा रहा है, तो किसानों को उनका उचित मुआवजा देने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाए, और 12 सूत्रीय मांग है हमारी टोटल।